हो गया होगा, तो इसलिए मैंने ये कपड़ा इधर में डाल दिया था ताकि वो थोड़ा थोड़ा उसमें डीजल गिरता रहे। तो ये है वो बाइक, इसको हमने रिस्टोर करना है। इसका जो किक है वो अटक गया है, इसको निकालते हैं पहले, उसको बाद हम इसको आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो दिखाते हैं कि का क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, इसके ऊपर अभी खड़े भी हो जाएंगे तो भी ये नहीं जाने वाला। इसके ऊपर दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, नीचे नहीं जा रहा है। इसके लिए हमको उसका हेड खोलना होगा, शायद इंजन सीज हो गया होगा या फिर पता नहीं क्या है, तो उसको खोलने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो खोलते, तो उससे पहले हमको ये देखना होगा, ये हेड खोल के देखना होगा। ये मैंने पहले से ही खोल दिया था इसको, तो इसको ऐसे निकाल देते हैं ऐसे। ओके, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक कपड़ा में कुछ डीजल डाल के इसको अंदर मैंने डाला हुआ, इसको पहले निकाल देते हैं। तो ये जो कपड़ा है इसमें डीजल डाल के इसको यहाँ पे डाल दिया था, ताकि जो पिस्टन है अगर वहाँ पे ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो अगर रस्ट वगैरह हो गया होगा, तो इसलिए मैंने ये कपड़ा इधर में डाल दिया था ताकि वो थोड़ा थोड़ा उसमें डीजल गिरता रहे और उसका रस्ट वगैरह जो है वो निकल जाए। लेकिन उसके बावजूद ये 2 दिन हो गया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं पहले। मुझे एक्चुअली इसका पिस्टन साइज पता नहीं चल रहा है, इसमें शायद लिखा है कि नहीं, मेरे को कौन सा साइज का पिस्टन है ये पता नहीं चल रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से, आप लोग को दिख रहा होगा तो आप बता देना ये कौन सा साइज का पिस्टन है। तो ये पिस्टन भी पूरा जाम हो चुका है, ना ही अंदर जा रहा है ना ही बाहर जा रहा है। तो एक काम करेंगे, पहले हम इसको खोलेंगे मैग्नेट चैम्बर को, इसको खोलने के बाद उसको हाथ से धीरे धीरे हम लोग आगे पीछे करेंगे, देखेंगे कि वो अगर हो जाता है तो पिस्टन ऊपर आ जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर दूसरा कुछ ट्राई करेंगे।
एक ही बोल्ट खुला है, ये सारे बोल्ट नहीं खुल रहे हैं। और यहाँ पे ये चाहे 5-6 बोल्ट है जो खोलना होता है, उसके बाद ये चैम्बर निकलेगा। उससे पहले ये की खोलना है, ये गियर गियर शिफ्टिंग का जो लीवर होता है। और ये सब रस्ट होने के कारण मिसिंग हो रहा है, मतलब कंडीशन देख लीजिए। तो ये पोल्स हो गया है, पता नहीं इसको दूसरे तरीके से खोलना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जो अंदर का जो मैग्नेट है उसको हाथ से धीरे 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 आगे पीछे करेंगे और देखेंगे कि पिस्टन आगे पीछे हो रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी।